शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी सिरमौर दौरे पर है। सिरमौर में प्रचार अभियान कर रहे हैं। पांवटा साहिब के शिवपुर में अभी उन्होंने प्रचार अभियान जो है किया और वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। अब यहां से 10-15 किलोमीटर आगे भंगानी साहब है, वहां जा रहे हैं। तो समय निकालकर हमने कहा विनोद सुल्तानपुरी जी से बात की जाए। विनोद सुल्तानपुरी जी, सबसे पहले तो आपका सिरमौर में स्वागत है और पहाड़ प्राइम पर स्वागत है। दूसरा, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं आपके जो समर्थक हैं नारा दिया है शिमला का सुल्तान विनोद सुल्तानपुरी। सिरमौर में आए हैं, कैसे देख रहे हैं यहाँ के लोगों का, कितना समर्थन मिल पा रहा है? अद्भुत प्यार मिल रहा है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार शिमला सीट कांग्रेस के पक्ष में आने वाली है। विनोद भाई, पहली दफ़ा विधायक बने, अभी तो विधायक का आनंद लेते हैं, कहाँ आप जो है लोकसभा में चरण में उतर गए? देखिए, ऐसा है, जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको मैं एज ए चैलेंज लेता हूँ। और शिमला पार्लियामेंट में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने यह निर्णय लिया, जिस तरह की मैं समझता हूँ सिचुएशन इस देश में हुई है, उसका काउंटर एक तरह से मैं बोलता हूँ जवाब जो देना था माननीय मुख्यमंत्री जी ने विक्रमादित्य सिंह जी को और मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। और मैं समझता हूँ हिमाचल की अस्मिता की बात है और आज हिमाचल के ऊपर जिस तरह की जो राजनीति का एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार करने वाली है और हमारी पार्टी देगी। एक हमने अभी देखा, ज़्यादातर मैंने अभी देखा जब हम जो है सभा में बैठे थे, बुजुर्ग जो लोग हैं पुराने, वो खासकर आपके पिता केडी सुल्तानपुरी को याद कर रहे हैं, या आप देखते होंगे उनके कार्यशैली को, क्या सीखा है आपने? देखिए, मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय मैं कॉलेज से जस्ट निकला ही था। ओके। तो उनके जीवन काल में मैं राजनीति में नहीं था। ओके। अब जब हम राजनीति में चले हुए हैं और उनके जो जहां उनके पद चिन्हों पर हम कोशिश कर रहे हैं, तो हर कदम पे उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं वो देखते हैं और लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है वो अद्भुत होता है और उससे मैं कई चीज़ें सीखता भी हूँ। और उनकी एक सिंप्लिसिटी की जो बात है और उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ज़मीनी था और यही हमें सीख मिलती भी। सुल्तानपुरी जी, 17 विधानसभाएं इस क्षेत्र में आती है, अगर आंकड़े देखें 14 पर तो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। अगर जीत हम देखें कि एक आंकड़ा जोड़ें कि अगर वो विधायक आपको लीड देते हैं वहाँ 13-14 विधानसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर सामने आएगी। दूसरा, हम देख रहे थे कि लोगों के बीच जब हम जाते हैं, हम तो सिरमौर में हर कोने में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि सुल्तानपुरी को शिमला और सोलन से तो वोट मिलेंगे लेकिन सिरमौर में कहीं ना कहीं सुरेश कश्यप आगे ना निकल जाए, क्योंकि 5 साल में पहचान बनी है, उनको पहचानते हैं लोग, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इस तरह से डिफाइन करना उचित नहीं होता। शिमला पार्लियामेंट पूरा क्षेत्र है। शिमला जब पार्लियामेंट आप लड़ रहे हो तो जिला का इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक तरीके से देखना चाहिए। और ये कहना कि सिरमौर जिला वहाँ डाल देगा, लोग अपने मन से वोट डालेंगे, जहाँ डालना होगा उसका उन्होंने लेना है। और ये जो इनकी विभाजन की जो नीति रही है, विभाजित करके कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना, मैं समझता हूँ उचित नहीं है और बहुत छोटा स्तर हो जाता है। मैं समझता हूँ हमें मुद्दा जो है उसके ऊपर बात करनी होती। अभी हाल फिलहाल में कल हमने देखा मनीष ठाकुर है, पुराने कुछ कांग्रेसी है, वापस आए हैं, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, आप देख रहे हैं उत्साह सभी में है और कांग्रेस पार्टी के जो वर्क कर रहे हैं मैं समझता हूँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर बहुत अच्छे काम भी किए हैं और आज कांग्रेस पार्टी और देश को कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस सरकार की ज़रूरत है। तो इस तरह के समय में जो हमारे संग आता है उनका बहुत बहुत स्वागत। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि शायद यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम है, सुरेश कश्यप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि MP फंड नहीं दिया, वो नहीं किया, जबकि मैंने संपूर्ण विकास किया, कुछ काम वो गिनवा रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार जब वो कहते हैं कांग्रेस तो आप पर अटैक करते हैं, भले आप बचे उन पर जो है सीधे तौर पर अटैक करने से। देखिए, ऐसा है, आप पहले विधायक रहे हैं सुरेश कश्यप जी और उसके बाद वो सांसद बने, दो दफ़े वो विधायक रहे, उसके बाद आप गिनी घाट जाइएगा, है ना, उसके बाद आप मानगढ़ तक जाइएगा
और फिर आप वासनी से होते हुए आगे आइए, ठीक है, वो उनका चुनाव क्षेत्र जो विधानसभा का रहा। मैं उनके चुनाव क्षेत्र में इसलिए गया ताकि मैं देखना चाहता था कि वहाँ पे क्या क्या होता है, डेवलपमेंट हुई हुई है। एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग उन्होंने अनाउंस किया था, मैं उस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ढूंढ रहा था कि कहाँ है वो, क्योंकि उसके बारे में चुनावों के दौरान चर्चा ज़रूर हुई थी, पर पार्लियामेंट में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई चर्चा हुई है, हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम है। और मैं मानता हूँ कि एक सांसद के रूप में जब आप जाते हैं तो लोगों के मुद्दे रखने होते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने पार्लियामेंट में कितने प्रश्न शिमला पार्लियामेंट से कंसर्न आपने पार्लियामेंट में रखे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, उसका श्वेत पत्र जारी करिए। हमें क्या बोलना है जी, लोगों की बात रखने के लिए भेजा जा रहा है ना, इसीलिए हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। पर जिसलिए आपको चुनाव में उतारा जाता है वो लोगों की मंशा होती है कि आप उनकी बातों को रखेंगे, उनकी समस्याओं का हल करने के लिए आप पार्लियामेंट में जाके उसे मुखर होंगे। जब आप वहाँ जाके बात ही नहीं करोगे तो फिर क्या है। ठीक है विनोद सुल्तानपुरी जी, बहुत धन्यवाद आपका और आपने समय निकाला। विनोद सुल्तानपुरी हमारे साथ है, आगे भी आपको चुनाव को लेकर लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।